हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। और आप सभी को पता है कि हमारी स्कूल ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट ऑर्गेनाइज़ कर रही है। तो नेक्स्ट जो हमारा साइंस में टेस्ट होगा वो चैप्टर थर्ड से होगा, तो उसके मैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस का रिवीजन करवा रही हूँ। और इन्हीं में क्वेश्चंस को मैं किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको सिर्फ कंटेंट का नॉलेज होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ क्वेश्चन आए, क्वेश्चंस को कैसे भी लिखा हुआ आ सकता है ऑप्शनल वे में, ठीक है, मतलब MCQs में, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, वन वर्ड में, ठीक है, तो मैच द कॉलम में किसी भी तरीके से आस्क किया जा सकता है। बट आपको कंटेंट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है यहाँ वाले जो क्वेश्चन है उनको मैं ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर दूँ, फिल इन द ब्लैंक्स में कन्वर्ट कर दूँ, हो सकता है मैं कुछ नए क्वेश्चन बना दूँ चैप्टर के बीच में से। तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है और वीडियोज़ देखने हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट एक क्वेश्चन दिया है जिसमें दो राइम्स दे रखे हैं जो आपने अपने बचपन में बोली होगी, और उन्हीं राइम्स में क्योंकि शीप वर्ड आया है, लैम्ब आया है, तो शीप और लैम्ब दोनों की ही जो अपर लेयर होती है स्किन की, उससे हमें वूल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप है वूल। तो आपको पता है ना शीप का कौन सा पार्ट से हमें वूल मिलती है, फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ स्किन जिसमें बहुत सारे हेयर होते हैं, हेयरी स्किन होती है, ठीक है। फिर पूछा है व्हाट इज़ द मीन्ट बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब। देखिए लैम्ब का फ्लीस होता है अपर लेयर ऑफ स्किन जो हेयरी होती है, जिन पे वूल होता है यानी फाइबर होते हैं, ठीक है, और जहाँ पर फर होते हैं, हेयर्स को क्या बोल, हेयर को क्या बोलते हैं हम, फर बोलते हैं, ठीक है, तो उन्हीं से यहाँ पे मीनिंग है। फिर है द सिल्क वॉर्म इज ए कैटरपिलर और ए लार्वा। तो मैंने आपको डायग्राम भी बनवाया है सिल्क वॉर्म की साइकिल पर, जो लाइफ साइकिल होती है उस पर। तो देखिए यहाँ पर सिल्क वॉर्म कैटरपिलर भी बोला जाता है और लार्वा भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा एनिमल है जिसकी बॉडी से यानी जिसकी स्किन से हमें वूल नहीं मिलती है, एंड दैट इज़ द वूली डॉग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ या व्हाट डू यू मीन अबाउट द रियरिंग शेयरिंग एंड सेरिकल्चर। देखिए रियरिंग क्या है, इट इज़ द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी एनिमल को पालते हैं बड़े बड़े फार्म्स में, ताकि हम उनसे कुछ ना कुछ बोलते हैं ना प्रॉफिटेबल गेन कर सकें। जैसे कि हम शीप इनको पालते हैं ताकि हम उनसे वूल गेन कर सकें, काओ बफेलो को हम किस लिए पालते हैं, ताकि हम उनको उनसे मिल्क गेन कर सकें, और सिल्क वॉर्म को हम पालते हैं सिल्क वॉर्म को से ताकि हम उनसे सिल्क गेन कर सकें। तो रियरिंग का मतलब होता है पालना। नेक्स्ट है शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब जैसे शेविंग होती है वैसे ही जो शीप जिनकी हेयरी स्किन होती है याक वगैरह, तो इनकी बॉडी से फर को अलग करना, शेव करना, ये प्रोसेस क्या बोली जाती है, शेयरिंग। फिर बात करते हैं हम सेरिकल्चर, देखिए सिल्क वॉर्म को पालना, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म को पालना, किस लिए पालते हैं हम, फॉर गेटिंग सिल्क, देन दैट दिस प्रोसेस इज नोन एज सेरिकल्चर, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें कुछ प्रोसेस दे रखी है, और ये प्रोसेस क्या है, शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, पिकिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग ऑफ फाइबर्स, मेकिंग ऑफ यार्न, दीज आर द स्टेप्स फॉर गेटिंग वूल। किसी भी शीप की बॉडी से वूल गेट करने के लिए अलग अलग स्टेप्स से हमें निकलना होता है। सबसे पहले हम शेयरिंग करते हैं, फिर स्कोरिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, पिकिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग ऑफ फाइबर्स, मेकिंग ऑफ यार्न, तो ये प्रोसेसेस हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेवन्थ क्वेश्चन, इसमें तो खाली डायग्राम बनाना है सिक्स्थ क्वेश्चन में। सेवन्थ क्वेश्चन में देखिए हमें क्या करना है, हमें कोई भी ऐसी सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपिकल्चर एंड सिल्वीकल्चर, इनमें से हमें कोई भी दो ऐसी टर्म्स पिकअप करनी है जो हमारी सिल्क वॉर्म से रिलेटेड हो। तो वो कौन कौन सी हो जाती है, सेरिकल्चर एंड मोरिकल्चर। यहाँ पर जो मोरिकल्चर है ना वो लार्वा से जुड़ा हुआ है। फिर बात आती है अपना मैच द कॉलम, यहाँ देखिए स्कोरिंग, स्कोरिंग का मतलब होता है क्लीनिंग शियर्ड स्किन, शियर्ड स्किन को क्लीन करना, ठीक है। फिर है मलबरी लीव्स, मलबरी लीव्स क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म खाते हैं, तो सिल्क वॉर्म क्या खाते हैं, या सिल्क वॉर्म का फूड क्या होता है, मलबरी लीव्स, याक,
याक से क्या होता है, वूल, वूल मिलती है हमें। फिर एक कोकून, कोकून क्या है, ये एक हार्ड स्ट्रक्चर यानी कि लिक्विड सीक्रेट करता है सिल्क वॉर्म, जिससे क्या होता है वो उसके बॉडी के चारों तरफ फाइब्रस फॉर्म में लपट जाता है और उसे हम बोलते हैं कोकून। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है क्रॉसवर्ड है, इनमें से भी आप देख लेना क्योंकि हो सकता है इनसे भी कोई क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम रिवाइज करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।